अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप कहना क्या चाहती है नानी अम्मी? आप चाहती है कि मैं खुशी मनाऊं कि सुबह ने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए, कि आप चाहती है कि मैं इंतजार करती रहूं कि एक ना एक दिन वो मुझे अपना लेगा? अपना भी लिया नानी अम्मी तो उस अपनेपन का मैं क्या करूंगी? और अगर तरस खा के प्यार भी कर लिया तो उस प्यार का मैं क्या करूंगी? ये प्यार नहीं खैरात है और मुझे खैरात मंजूर नहीं है। बिल्कुल मुझ पर गई है वही गुस्सा वही आग, मुझे अपने बीते दिन याद आ गए। लेकिन इस जुनून ने मुझे तजुर्बे अच्छे नहीं दिए मेरी बच्ची, ये आग सबको जलाकर राख कर देती है। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, जो इंसान दूसरे की चौखट पर सजदा कर दे उसे खुदा भी जहन्नुम देता है, लेकिन लेकिन वो हम खुदा नहीं है। मैं मानती हूँ कि गलत इंसान के साथ जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि हम अकेले रहें। मुश्किल की बात यह है कि ये जिंदगी सिर्फ कहने के लिए 4 दिन की है, इसे जीना हमें बरसों पड़ता है और एक एक लम्हा बरसों की तरह होता है। सुभान गलत है, बिल्कुल गलत है। उसे यूं ही छोड़ देने के बजाय अगर उसे संभलने का एक मौका दिया जाए तो। आप मुझे क्या करने पे उकसा रही है अम्मी? आपसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। इबू, अगर तू वाकई इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है तो फिर तूने तलाक नामे पर पहले दस्तखत क्यों नहीं किए? क्योंकि मैं इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती थी नानी अम्मी, मैं तो सुभान के साथ जीना चाहती थी, पर उसने मुझे जीते जी मार डाला। मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है इसमें? अब उसने खंजर उठा ही लिया है तो सीने में उतार भी दे। फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि ये भी मैं करूं, डिवोर्स पेपर्स पे मैं पहले साइन करूं, तो मैं कर दूंगी। मेरी खुददारी मर जाएगी पर मैं वो भी सह लूंगी। खुदा के लिए मेरी बच्ची, तुम क्या बोल रही हो? मैं माँ हूं, मेरे दिल का तो सोचो। मैं तुम्हारा घर जलते नहीं देख सकती। आप मेरा घर जलते हुए नहीं देख सकती पर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को जलते हुए देख सकती है अम्मी। और किस घर को बचाने की बात कर रही है आप, जहाँ पे मेरी इज्जत ही नहीं रहेगी? आप मुझे अभी रुस्वा होते हुए नहीं देख पा रही है, जिंदगी भर रुस्वाई और जिल्लत देख पाएगी अम्मी। जिस रिश्ते को आप बचाने की बात कर रही है ना, वो रिश्ता तो उसी पल खत्म हो गया था जब मैंने सुभान को मन्नत की बाहों में देखा था। कुछ मत बोलिए अम्मी प्लीज, आपकी बेटी हूं मैं, बहुत हिम्मत दी है आपने मुझे, इस तूफान को भी बर्दाश्त कर लूंगी। दुआ Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।